इकतीस भाई बेला का पाठ सेंट जॉन कहते हैं यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि पिता का है जिसने मुझे भेजा है गुरु गोबिंद सिंह जी के सत्संग में एक सीधा साधा किसान चला आया और गुरु साहब से कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बख्श दो तो। उस जमाने में मुगलों से लड़ाइयां होती रहती थी गुरु साहब ने पूछा तुझे बंदूक चलानी आती है नहीं फिर कहने लगे क्या तुझे घोड़सवारी आती है नहीं गुरु साहब ने कहा फिर तू क्या करेगा कहने लगा मैं घोड़ों की सेवा करूंगा उन्होंने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया वो बड़े प्रेम से सेवा करता रहा लीद वगैरह बाहर फेंकाता अच्छी घास डालता हर प्रकार की सफाई रखता दो तीन महीने में घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए एक दिन गुरु साहब ने आकर देखा कि घोड़े बड़े तगड़े हो गए हैं उन्होंने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है उसने गुरु साहब को बताया कि भाई बेला ने गुरुजी ने बेला से पूछा तेरा नाम क्या है वो बोला बेला गुरुजी कहने लगे बेला कुछ पढ़ा हुआ भी है उसने उत्तर दिया कि कुछ नहीं तब गुरु साहब ने कहा अच्छा तुझे हम पढ़ा देंगे पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना गुरु साहब उसे रोज एक पंक्ति बता देते वो याद करता रहता एक दिन गुरु साहब मुग़लों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक तुप दे जाओ उन्होंने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं और फरमाया वाह पाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला बेला ने समझा कि शायद मुझे पंक्ति बता गए हैं सारा दिन प्रेम के साथ उसको रटता रहा वाह पाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला अब वहां के सब सेवादार देखकर मनी मन में हंसने लगे कि ये बेवकूफ क्या बोलता फिरता है जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति बेला को बता गए थे गुरु साहब बोले कोई नहीं तो उन्होंने बताया कि वो तो सारा दिन यही तुक रटता रहा है वा पाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला गुरु साहब ने हंसकर कहा जिसने वक्त नहीं पहचाना वो समझ गया वो पार हो गया ज्यों ही गुरु साहब ने ये वचन फरमाए बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई अब सारा दिन प्रेम से तुक रटता रहता था अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त ना हुआ ये कल आया और नाम के रंग में रंग गया उस जमाने में कुछ सेवादार यानी ग्रंथी पुराणों का अनुवाद कर रहे थे कहने लगे पुराणों का अनुवाद किया सेवा की लेकिन व्यर्थ क्रोध से भर गए कि अब यहां रहना नहीं चाहिए गुरु साहब ने देखा कि वे क्रोध में आ गए हैं समझाने के लिए कुछ भांग दे दी कि इसको प्रेम के साथ पीसो नियम है कि भांग को जितना ज्यादा पीसा जाता है उतना ही ज्यादा नशा देती है खूब पीसा भांग का घड़ा तैयार हो गया तो गुरु साहब ने हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली करके -कर छोड़ते जाओ जब सारा घड़ा खत्म हो गया तो पूछा कि क्या नशा आया उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं आया अगर पीते अंदर जाती तब नशा आता गुरु साहब ने कहा बेला वाले सवाल का जवाब यही है उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया है मतलब तो ये है कि जब तक अंदर प्यार ना हो मुक्ति नहीं मिलती न पर्दा खुलता है और न शांति आती है बत्तीस असली विद्वान कौन क्लाउड ऑफ अनुइंग में कहा गया है मैं अपनी मूर्खता भरी बातें करने वाली जबान से परमात्मा की भेद भरी बातों को बयान करने की हिम्मत नहीं कर सकता अगर मैं हिम्मत करूं तो भी बयान नहीं कर सकता एक बार एक विद्यार्थी अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करके अपने घर जा रहा था रास्ते में उसे एक जाट ने पूछा कि कहां से आ रहे हो उसने कहा कि मैं विद्या प्राप्त करके आ रहा हूं जाट ने पूछा तुझे सोहनी मेहवाल का किस्सा आता है बोला कि नहीं दोबारा फिर पूछा हीर रांझा का आता है कहता है कि नहीं जाट ने फिर कहा सस्सी पुन्नू का किस्सा आता है कहता है कि कोई नहीं जाट ने कहा फिर तुम कैसे पढ़े लिखे हो अब सोचने की बात है कि जिसने खुद विद्या प्राप्त नहीं की उसे विद्या के बारे में कैसे समझाया जाए विद्यार्थी बेचारा क्या कहता चुप हो गया इसी तरह अब आप बताओ जो अंदर नहीं गए उनको क्या बताएं क्योंकि जो नजारे संत अपने अंदर ध्यान लगाकर देखते हैं उनकी मिसाल बाहर है ही नहीं तैतीस कबीर साहब द्वारा राजा की परीक्षा महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं जब आप नौ दरवाजों को छोड़कर ब्रह्म पार ब्रह्म में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पुख्ता हो जाएगा कबीर साहब जुलाहा थे राजा बीर सिंह राजपूत उनका सेवक था उसका उनके साथ बहुत प्यार था जब कबीर साहब उसके पास आते थे तो वो तख्त छोड़ देता कबीर साहब को ऊपर बैठा था और आप नीचे बैठता एक बार कबीर साहब ने राजा को आजमाना चाहा। एक वैश्य थी जिसने अपना पेशा छोड़कर कबीर साहब की शरण ले ली थी एक तरफ उसको लिया दूसरी तरफ संत रविदास जी को लिया दोनों हाथों में शराब जैसे रंगदार पानी की बोतलें पकड़ लीं और काशी के बाजारों में झूमते हुए शब्द पढ़ते निकले क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां उनके विरुद्ध थीं इसलिए शोर मच गया लोग कहने लगे कि एक तरफ वेश्या और दूसरी ओर जूतियां गांठने वाला रविदास है हाथों में शराब की बोतलें हैं कबीर साहब इसी तरह दरबार में पहुंच गए जब राजा ने कबीर साहब को इस हालत में देखा तो अभाव आ गया तख्त से नहीं उठा कबीर साहब ने सोचा कि ये तो गिर गया है अभी संभाल लें नहीं तो मुश्किल हो जाएगी उन्होंने दोनों बोतलें पैरों पर उंडेल ली जब राजा ने ये देखा तो सोचने लगा कि शराबी कभी अपनी शराब नहीं गिराता ये शराब नहीं कोई और चीज है तख्त से उतरा और संत रविदास से पूछा महाराज ये क्या कौतुक है उन्होंने कहा कि तू अंधा है तुझे पता ही नहीं जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई है कबीर साहब उसे बुझा रहे हैं राजा ने तारीख और वक्त नोट कर लिया और इसका पता लगाने के लिए दो सांडनी सवार भेजे जब वे वहां पहुंचे और मालूम किया तो लोगों ने कहा ठीक है आग लगी थी और कबीर साहब बुझा रहे थे राजा का विश्वास पक्का हो गया ऐसे मौके पर बड़े बड़े अभ्यासी लोक लाज में बह जाते हैं गुरु की कृपा से कोई कोई प्रेमी ही ऐसी परीक्षा में खरा उतरता है ये आसान बात नहीं चौतीस मुर्दा खाने का हुक्म प्रवर्ब्स यानी ओल्ड टेस्टमेंट की नीति वचन में कहा गया है अपनी बुद्धि का सहारा न लेना बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा यानी प्रभु पर भरोसा रखना उसी को याद करके सब काम करना वो तेरा मार्गदर्शन करेगा एक बार गुरु नानक साहब ने अपने सेवकों को मुर्दा खाने के लिए कहा तो देखने में ये मुनासिब हुक्म नहीं था हम तो मुर्दा छू जाने पर नहाते हैं फिर मुर्दा खाए कौन एक भाई लहना खड़े रहे बाकी सब शिष्य चले गए ये सबको नामुनासिब हुक्म लगा था लेकिन भाई लहना को नहीं जब वो मुर्दे के इर्द गिर्द घूमने लगा तो गुरु साहब ने उससे पूछा क्या कर रहे हो भाई लहने ने उत्तर दिया हुजूर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुर्दे को किस तरफ से खाना शुरू करूं। जब वो खाने लगा तो देखता है कि वहां कोई मुर्दा नहीं था बल्कि मुर्दे की जगह उसके सामने गुरु का प्रसाद मीठा हलवा पड़ा था गुरु नानक साहब ने उनको गुरु गद्दी का हकदार बना दिया और वो भाई लहना से गुरु अंगद साहब बन गए अंगद का अर्थ है गुरु का अपना अंग या हिस्सा इसी तरह जब गुरु गोबिंद सिंह ने अपने शिष्यों की परख की तब पांच हजार में से सिर्फ पांच प्यारे निकले जब गुरु परखता है तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं जीव का इम्तिहान में पास होना बड़ी मुश्किल बात है गुरु किसी का इम्तिहान न ले पैतीस बुल्ला नहीं पुल्ला कबीर साहब फरमाते हैं एक से सब जग उपजा कौन पले को मंदे बुल्ले शाह सैयद थे उनकी बिरादरी में किसी की शादी थी बुल्ले शाह ने अपने पीर इनायत शाह की सेवा में अर्ज की हज़रत हमारे घर शादी है दर्शन देने की कृपा करो इनायत शाह की सेवा में एक अराई लड़का था उन्होंने उसको भेज दिया बिरादरी वालों ने अराई समझ कर उसकी इज्जत न की अगर वे उसे इनायत शाह का रूप समझते तो सब कुछ करते कहने लगे कि हम हैं सैयद और ये अराइयों का लड़का हम इसको क्या समझते हैं शादी से लौटकर उस अराई ने अपने पीर इनायत शाह को सारा हाल सुनाया उन्होंने नाराज होकर कहा कि अब बुल्ले शाह निकम्मे का पानी भी नहीं पीना है इतना कहना था कि बुल्ले शाह का सारा नाम का रंग उतर गया खाली का खाली रह गया रोता रोता इनायत शाह के पास आया अर्ज की कि मुझे बख्शो इनायत शाह ने पूछा क्या तू बुल्ला है बोला बुल्ला नहीं पुल्ला उसके पश्चाताप के बाद उन्होंने फिर उसको पहले जैसी हालत बख्श दी फकीरों की हर बात में रमज होती है छत्तीस हक हलाल की कमाई हिब्रूज में कहा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो क्योंकि उसने खुद ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा प्रभु मेरा सहायक है मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ है उसका नियम था कि खजाने से अपने लिए कुछ खर्च न करना बल्कि हक की कमाई से अपना गुजारा करना उसका काम था दरबार के काम से फारक होकर अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखना और इस ख्याल से कि लोग उचित से अधिक कीमत न दें नौकर को देना कि इसको बाजार में जाकर बेचा, नौकर बेचकर जो पैसा लाता उसे अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता था जो उसका नौकर था उसकी कई महीनों की तनख्वाह बादशाह की ओर बाकी थी एक बार नौकर के पास घर से चिट्ठी आई कि फ़ौरन घर आ जाओ उसने बादशाह से कहा कि मुझे तनख्वाह दो मुझे घर जाना है बादशाह के पास उस समय रुपए नहीं थे उसने टाल दिया इस तरह कई महीने बीत गए इतने में कई चिट्ठियां घर से आईं कि जल्दी घर आओ आखिर उसने बादशाह से इजाजत ले ही ली बादशाह ने उसको दो रुपए दिए वो हैरान हो गया बादशाह ने कहा ये मेरी हक की कमाई है हक की कमाई में बरकत होती है जाओ मालिक बरकत डालेगा नौकर दो रुपए लेकर चला तो आया मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो संबंधी कहेंगे कि तू बादशाह का नौकर था लाया क्या है रास्ते के इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत हुई थी रास्ते में एक जगह बड़े सस्ते और अच्छे अनार देखे सोचा दो रुपये यही खरीद लू दो, दो चार चार सबके हिस्से आ जाएंगे ये सोचकर उसने उन रुपयों के अनार खरीद लिए अच्छा खासा गट्ठर बन गया गट्ठर उठाकर घर को चल पड़ा उसका घर बागड़ देश में था संयोग से वहां की रानी बीमार हो गई बड़े बड़े वैद और हकीम बुलाए गए उन्होंने कहा कि इसकी जान तब बच सकती है जब इसको अनार का रस दिया जाए उस इलाके में अनार नहीं होते थे बादशाह ने ढिंडोरा पटवा दिया जो एक अनार लाएगा उसको एक हजार रुपये इनाम मिलेगा इतने में वो नौकर भी वहां पहुंच गया ढिंडोरा सुना पता लगाया तो मालूम हुआ कि बात ठीक है राज दरबार में गया बादशाह ने अनार देखे खुश हो गया नौकर ने कहा कि जितने चाहो ले लो बादशाह ने जरूरत के मुताबिक ले लिए और एक हजार रुपये प्रति अनार के हिसाब से कीमत चुका दी फिर दो सिपाही साथ में दिए कि जाओ इसको भली भांति घर पहुंचा दो अब वो हजारों रुपए का मालिक बन गया था जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके घर वाले उसके पास इतना धन और उसे इतना प्रसन्न चित देखकर बहुत खुश हुए सो हक की कमाई में बरकत होती है सैतीस कबूतरों द्वारा शिक्षा महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं जिस तरह कोई धातु जब तक पिघल कर पानी पानी ना हो जाए तब तक उसे कोई सांचा कबूल नहीं करता इसी तरह जब तक शिष्य के अंदर वो सच्ची तड़प और सच्चा प्यार ना हो वो मालिक पर्दा नहीं खोलता जीवों को समझाने के लिए महात्माओं के अलग अलग तरीके होते हैं जिक्र है कि एक बादशाह का लड़का पढ़ाई से जी चुराता था उसको कबूतर रखने का बहुत शौक था एक दिन वहां एक महात्मा आ गए बादशाह ने कहा महात्मा जी मेरा लड़का पढ़ाई से जी चुराता है और कबूतरों का शौक रखता है इसको हिदायत करो कि ये कुछ पढ़ लिख जाए महात्मा ने बच्चे को बुलाकर पूछा तेरे पास कितने कबूतर हैं लड़के ने कहा जी बीस महात्मा ने कहा नहीं सौ दो सौ रख लो दोनों इनकी उड़ान देखेंगे लड़के ने कहा जी बहुत अच्छा जब कबूतर आ गए तो महात्मा ने कहा ये तो बहुत सारे हो गए हैं इनके नाम रखने चाहिए फिर उनके परों पर लिखा अलिफ बे पे ते इत्यादि इसी तरह उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया बच्चों को जबरदस्ती किसी काम या पढ़ाई में लगाने की जगह उनके मन की वृत्ति को अच्छी तरह समझ कर उसके अनुसार ही शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए अड़तीस घोड़े की जिद गुरु रामदास जी फरमाते हैं गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे एक फकीर का जिक्र है वो घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था उसका एक तालिब यानी शिष्य जंगल में उसकी याद में बैठा हुआ उसके दर्शनों के लिए तड़प रहा था फकीर जिधर घोड़ा ले जाना चाहे उधर ना जाए वो इधर करे तो घोड़ा उधर चला जाए जब उधर करे तो घोड़ा इधर चला जाए जब घोड़ा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो महात्मा बोले अच्छा जिधर तेरी मर्जी है ले चल तो वो घोड़ा महात्मा को लेकर सीधा जंगल की ओर चल पड़ा और तीन चार मील जाकर रुक गया आगे वो शिष्य बैठा हुआ था मुर्शद को देखकर उठ खड़ा हुआ फकीर ने कहा यह सब क्या है शिष्य ने कहा कि आज मेरा दिल आपके दर्शन के लिए तड़प रहा था सो शिष्य के प्यार में इतनी कशिश होनी चाहिए उनचालीस खुदा का महल गुरु अमरदास जी फरमाते हैं हर मंदिर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट हो गुरु नानक साहब जब काबा में जो मक्का शरीफ में है काजी रुकमुद्दीन से मिले तो उसने पूछा कि खुदा का महल कैसा है उसकी कितनी खिड़कियां और दरवाजे हैं कितने बुर्ज हैं कितने कंगूरे हैं अब ये कोई मामूली सवाल नहीं थे गहरे विचार के योग्य थे गुरु साहब ने जवाब दिया कि इस शरीर के बारह बुर्ज हैं यानी तीन दाहिनी बाह के जोड़ तीन बाई बाह के जोड़ और दोनों टांगों के तीन तीन जोड़ इस प्रकार कुल बारह हुए नौ दरवाजे हैं दो कान दो आँखें दो नासिका के सुराख एक मुंह और दो सुराख नीचे के बावन कंगूरे हैं यानी हाथ पैरों के बीस नाखून और बत्तीस दांत दोनों आंखें दो खिड़कियां हैं महल बहुत अजीब और बेमिसाल है गुरु साहब कहते हैं ऊपर खास महल पर देवा बांग खुदाए अर्थात आपके शरीर के अंदर खुदा बांग दे रहा है ये शरीर ही खुदा की मस्जिद है हम बाहर माथे रगड़ते हैं क्या कभी किसी को वो बाहर मिला है किसी को नहीं बांग यानी शब्द धुन तो हर एक के अंदर हो रही है लेकिन लोग सोए हुए हैं सुत्ते बांग न सुन सकन रेहा खुदा जगाए वो मालिक तो जगाना चाहता है लेकिन कोई जागता ही नहीं फिर कहते हैं सुत्ती पई निपाग बस सुने न बांगा कोए वे लोग बदकिस्मत हैं जो रात को जाग कर उस बांग यानी शब्द धुन को नहीं सुनते जो जागे सही सुने साई संदी सोए जो जागता है उसकी सूरत शब्द में लगती है वही मालिक की आवाज यानी शब्द को सुनता है चालीस मक्खियों से छुटकारा अंसारी ऑफ हैरात में कहा गया है हे प्रियतम तेरे सिवाय मैं किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता तेरे प्यार में मुझे किसी दूसरे की परवाह नहीं है मेरे दिल में तू ही तू बस गया है इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है जब राजा गोपीचंद और भरतरी हरि योगी हुए तो लोग भेड़ों की तरह उनके पीछे लग गए लोगों का ख्याल था कि जो राज छोड़कर योगी बने हैं वे कुछ करने वाले होंगे और उनकी इच्छाएं पूरी कर देंगे इनमें से परमार्थ का सच्चा ग्राहक तो कोई विरला ही होता है नहीं तो वे जहां जाते उनसे कोई बेटा मांगता कोई बेटी मांगता कोई कुछ मांगता तो कोई कुछ राजा गोपीचंद और भरतरीहरि ने मन में कहा कि इस मान बढ़ाई को तो पहले ही छोड़कर आए हैं यह अब फिर पीछे लग गई ये सोचकर वे शहर से बाहर एक कुम्हार के घर में ठहर गए और भजन सुमरन करने लगे अब जहां इत्र होता है खुशबू भी आती है पहले पड़ोसियों को खबर हुई कि यहां दो महात्मा आए हुए हैं फिर औरों को पता चला इसके बाद शहर में बात फैल गई और धीरे धीरे वहां के राजा के कानों तक जा पहुंची कि शहर में दो महात्मा ठहरे हुए हैं राजा ने कहा चलो दर्शन करें जब राजा चला तो अमीर वजीर अहलकार और बहुत सारी प्रजा भी साथ हो गई दर्शनों को आ रहे बहुत से लोगों का शोर सुनकर भरतरी हरि ने कुम्हार से पूछा कि ये शोर कैसा है उसने कहा कि राजा आपके दर्शनों को आ रहा है और साथ में प्रजा है भरतरी हरि और गोपीचंद ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ सोचने लगे कि अब क्या करें ये मक्खियां किस तरह हटाई जाए आखिर एक उपाय मन में आया आपस में सलाह करके चुप हो गए इतने में राजा और प्रजा सब आ गए जब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो इंतजार होने लगा कि अब महात्मा आएंगे और ज्ञानवार्ता करेंगे उधर एक महात्मा उठा और कहने लगा कि आज भिक्षा मांगने मैं जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि कल तू गया था और भिक्षा में मिला सारा हलवा अकेले ही खा गया था पहले ने कहा कि क्या परसों तूने मालपुए नहीं खाए थे दूसरे ने कहा कि चार दिन पहले तूने खीर नहीं खाई थी एक ने डंडा पकड़ लिया दूसरे ने फावड़ी उठा ली आपस में लड़ने लगे राजा ने कहा कि अच्छे महात्मा हैं जो खाने पर ही लड़ पड़े हैं चलो चलें। लोगों ने हंसकर तालियां बजाईं और सब अपने अपने घर आ गए उन महात्माओं ने कहा कि अब चैन मिल गया मक्खियां उड़ गईं